हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। रे व्यापार व्लॉग में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए जी, हम सुबह सुबह निकल चुके थे घूमने के लिए, रविया, अभिराज और मैं। अभिराज तो गोद में था और रविया मेरे आगे आगे चल रही थी। और ये कुछ नज़ारा है गांव की गलियों का। तो यहाँ पर बस गाँव ख़त्म हो रहा है और हमारा घर ना गाँव के बाहर ही है। और देखो, गाँव में आज भी हाथों से आटा पीसा जाता है। ऐसे ये पूरी मेहनत करती है माँ जी। और इधर ये मिल गए थे बाबा जी। तो ये कहाँ जाओ, किसका जाओगे? कहा घर जाओगे बाबा जी? हैं? वो बाबा जी घर जा रहे हैं। हम तो यही जा रहे हैं क्या? हाँ जी, नहीं वो गए राजू गढ़ी के साथ जी। अच्छा, तो ये देखे जी, रविया दौड़ी दौड़ी जा रही हैं आगे आगे। सुबह सुबह टहलने में कितना अच्छा लग रहा है इसको। मेरे से पहले घर जा कर दिखा देगी। घर चलो जा। कहाँ है घर? घर कहाँ है? भूल गई हैं? सुबह सुबह नहा ली, चलो देखिए जी। सुबह का टाइम हो रहा है अभी 9:30 और मैं नहा धोकर रेडी हो गई हूँ। और काम भी वैसे मैंने सारा फिनिश कर लिया, खाना भी बना दिया, बच्चों को नहला दिया, कपड़े सब धो दिए हैं। और आज ना प्री की बहुत याद आ रही है, बहुत ज्यादा। हाँ बेटा, अच्छा तो फिर पता नहीं चलने का। परी ना बहुत टाइम हो गया ना आए हुए। तो जी अब देखते हैं, आधी की छुट्टी पड़ने के बाद परी के पास जाएंगे और उसके पास एक महीना बिता पाएंगे अब, क्योंकि उसका भी मन है बहुत ज्यादा। कह रही थी मम्मी आपकी याद आ रही है बहुत ज्यादा, और अब बस आपके पास रहने का मन कर रहा। मैंने कहा जब तो मामा के पास रहने का मन कर रहा था, अब मेरे पास रहने का मन कर रहा। कह रही है आप भी यहीं पे आ जाओ, मगर नहीं बेटा ऐसा नहीं होता। मैंने उसको समझाया, लेकिन ये है कि बच्ची है, थोड़ा होता है ही। बस जो मेरे पापा जी है ना, बस उनके आगे तो वो सबको भूल जाओ, वो मुझे भी नहीं याद करती। आज जब पापा जी गोलू मम्मा के पास, क्यों? अच्छा ठीक है, रविया को भी याद आ गया अभी उसकी एकदम। अभी बेटा रविया के उसके परी के पेपर चल रहे हैं। हाँ, कुछ बना रही? पेपर चल रहे उसके स्कूल में, अभी वो आ नहीं सकती। आपकी क्लास में देखेंगे, आपका तो स्कूल चेंज करने को सोच रही मैं। ये परी का बैग? अच्छा, ये परी का बैग है? हाँ भाई, ये तो परी का बैग है। ये मैं इचकी को पिलाई। किसकी? इचकी परी की? हाँ। नहीं, अभी तो आदि भैया की है, परी दीदी की तो वही भैया है। और जब वो घूमती है ना, तब तो उसको अच्छा लगता है। और जब वो थोड़ी बहुत देर भी मतलब शांत रह जावे, जिद करे? हाँ। क्यों? मम्मी ये नन्ना को जाने को कह रही थी। नन्ना के साथ जाने को कह रही थी? हाँ। और अब जब मेरे पास आने को कह रही? हाँ, आप जन कह रही थी अपने नन्ना जी को, मेरी मम्मी को भी यही ले आओ, मुझे तो मेरी मम्मी की याद आ रहा है। बस न कह रही थी। अरे मारी परी बुला रही। हाँ चलो, इसकी बात सुनने के चलो। तैयार तो हो जाओ। तैयार हो जाओ? और आप अपने पापा जी से पैसे तो ले लो। पैसे तो नन्ना पे है। नन्ना पे है? हाँ। तेरे पापा पे नहीं है? नहीं, खत्म हो गए। अच्छा, लेखा कितने तेज बच्चे है। क्यों, नन्ना जी के पास फैक्ट्री लग रही पैसों की है? बहुत होशियार हो रही। पापा पे तो इसके खत्म हो गए, नन्ना जी के पास है, बहुत होशियार हो रही। मेरे पापा है वे?
नहीं आपके नन्ना जी है, मेरे पापा जी है, मैं दोनों का है। ओके ऐसी हो अपने मतलब के लिए। तो चलो जी अब करते हैं हम अपनी वीडियो एडिट और अपलोड, क्योंकि आज बहुत लेट हो गया, मैं ना सो गई थी और अब रेबे के पापा जी आए थे, खाना खा कर चले गए। नीचे बैठो मेरे पास, मेरे अड्डो को बाथरूम आने का पूरा शौक है। मेरा भी बुखार आ रहा। बुखार हो रहा? और किसका हो रहा बुखार? अभी आ चुके अभी आ चुके कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। चलो बाय कर दवाई दे दो, दवाई दे दो, बाय कर दो दोस्तों को। बाय। देखो हमारी वीडियो को लाइक करो, को लाइक करो, शेयर करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, कमेंट करो। धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी का, आप सभी का। बाय बाय। ऐसा कर दे। तो ये देखे जी यहाँ पर मैं कर रही थी कपड़ों की तय, क्योंकि ये कल के कपड़े हैं और कल ही की थी वीडियो भी कल ही बनी थी, तो आज तो मैं एडिट कर रही हूँ। थोड़े ही थे कपड़े, ज़्यादा तो नहीं थे, क्योंकि कल वाले व्लॉग में बताया था मैंने जो कि कपड़े मैंने परसों शाम के टाइम तक धोए थे, तो इसीलिए कम ही कपड़े थे और मैंने इनकी तय कर लगा दी थी अलमारी में। और बेड शीट ना बच्चे बैठे रहे ना, जब पूरा दिन बैठे रहे बेड पर तो ही इकट्ठी कर दे रहे हैं, और दिन में आपको ना कई बार भी खानी पड़ा है मुझे बैठ के, क्योंकि मुझे तो गंदी लगा है। और बच्चे हैं इन्हें क्या पता, अभिराज रविया और आदि भी अभी बच्चा है, आदि अभी इतना समझदार नहीं है और वो थोड़ा मतलब शांत सा रहता है, एक माता वो रहता फिर ऐसा। और बस मैं उसको पढ़ाई के लिए बोलती रहती हूँ, भैया पढ़ाई कर लो बेटा मेरे, तो वो बस इतना कहती हूँ इतना ही करता है। हेलो फ्रेंड्स, तो ये देखिए जी शाम का समय हो गया है और अब हमारा शाम का रूटीन शुरू हो गया है। तो शाम के खाने में बनाऊंगी आज मैं चने की दाल और रोटी। तो चने की दाल वैसे मैंने उबलनी रख दी है, तड़का लगाऊंगी ना तब बनाएंगे वीडियो। तो अभी उबलने का इंतजार कर रही है, तो इतना मैं आटा बना दूंगी। और आदि और बाकी के बच्चे सभी नहा रहे हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ही देख सकते हैं आप, पसीने आने लगे अब तो, अच्छी खासी गर्मी हो रही है। तो चलो जी मिलते हैं जब दाल में तड़का लगाएंगे, अभी तो हम आटा करेंगे जाकर रसोई में। और मैंने अभी ताज़ा पानी भरा था, क्योंकि समर सेल चला के ताज़ा पानी भरकर उसी में ही खाना बनाती हूँ मैं, टैंक के पानी में ही खाना बनाती जो डायरेक्ट पानी आता है, क्योंकि काफ़ी टाइम होगा एक तो टैंक भी नहीं धुला और वैसे भी मेरा मन नहीं मानता, तो मैं ताज़ा पानी भरकर ही खाना बनाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, देखिए जी मैंने दाल उबलने रख दी थी चूल्हे पर और अब लगाऊंगी मैं तड़का इसमें। तो कढ़ाई मैंने रख लिया इधर और कुकर उतारूंगा नीचे, तो मैंने खोल कर देखा था अभी हो गया नई दाल। तो ये देखिए जी कढ़ाई मैंने रख दिया चूल्हे पर और अब मैं डाल लूँगी सबसे पहले तेल, हल्की होगी हमारी कढ़ाई तो इसीलिए काली होगी इसकी तली, बहुत हल्की होगी, काफ़ी टाइम की होगी नया। देखो जी तेल मैंने डाल दिया है और तेल वैसा गर्म हो गया, अब मैं डाल लूँगी इसमें जीरा। तो जीरा डाल दिया है मैंने, तो देखिए जी जीरा हमारा लाल हो गया है और आज चिंपाली चौंकूंगी बिल्कुल, लहसुन प्याज भी नहीं डालने की। केले के भी चौंक हमारा हो गया है और अब डाल लूँगी मैं दाल। तो ये देखिए जी दाल में खदका लग गया है, छोंक दी थी मैंने, और अब बनाऊंगी मैं रोटियां, क्योंकि अंधेरा बहुत हो गया, नहीं इस टाइम तो मैं बिस्तर में भी लग रही थी।